सुबह की लाली माँ हमें भी भा गई, मन की शांति हमें दान में दे गई, सूर्य प्रभात के बाद दिल में प्रभात प्रेम का दे गई। सुप्रभात मित्रों, ये देखिए आज हमारी छोटी सी हार्वेस्ट भिंडी हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। परसों 15-16, कल 16-17, आज भी 6-7 भिंडियाँ मिली हैं। तो आज हम छत पे गुडाई कर रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं, और जो जो गमलों में मिट्टी कम है उसमें मिट्टी भर रहे हैं, और एक आध दिन में हम इनमें अब वर्मी कंपोस्ट डालेंगे जो कि हमारे पास पहले से पड़ी हुई है। मैंने 50 किलो का कट्टा इकट्ठा मंगवा लिया था जो काफ़ी रीजनेबल पड़ा मुझे नर्सरी से। ये नर्सरी का माली है, ये अपडेट करता रहता है। साथ साथ हम सफाई कर रहे हैं, छत की सफाई तो रखनी ही पड़ती है। पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते, और उन गिरे पत्तों को मैं कलेक्ट कर रही हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। उसकी अपडेट मैं दूंगी जब मैं उसके साथ एक बाल्टी मंगवा रही हूँ नलके वाली, तो उसकी अपडेट मैं आपको दूंगी कि मैंने उसमें पत्तों को कैसे उसको खाद बनाऊंगी। मटके में भी खाद, जो मेरा मटका है उसमें भी खाद बननी शुरू हो गई है। मैं किचन वेस्ट डाल रही हूँ, कभी कभी थोड़ी मिट्टी डाल देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ, अभी भी काफ़ी स्पेस है। ये देखिए जो रोज़मर्रा का जो कूड़ा होता है, छत का वेस्ट जो होता है, पत्ते हैं, सूखे मिट्टी है, उसको हम इकट्ठा करते रहे, उसको हमें इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से देखिए हमने अपने किचन वेस्ट और अपने टेरेस के कूड़े को वेस्ट यूज़ कर लिया। कितनी अच्छी चीज़ है ये, वी ऑल कैन डू इट। तो हम सब ज़रूर करें, किस तरह से हमारा पर्यावरण बचा रहेगा, और हम अपनी सरकार की भी किसी तरह किसी रूप में मदद कर सकेंगे, क्योंकि कूड़ा जो है वो जाके लैंडफिल में भर जाता है और इतना उसका बुरा हाल होता है। उसी लैंडफिल्स में लोग सब्जियां उगा लेते हैं जो कि हमारे लिए बड़ी हानिकारक हैं, फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं। प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसे काम ना करें। अपने किचन वेस्ट को और छत के कूड़े को रीयूज़ करें, बगीचे के कूड़े को रीयूज़ करें। ये बहुत अच्छा स्रोत है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का, हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बारिश ख़त्म हो रही है तो मैं अब पेंटिंग कराऊंगी अपने टेरेस गार्डन की, और मैं कुछ और भी कराऊंगी जिसका मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। जैसे जैसे बजट में मेरा होगा मैं वैसे वैसे करती रहूँगी। ये देखिए अब हम गुड़ाई कर रहे हैं, साथ साथ हमारे पत्ता गोभी के सीडलिंग्स काफ़ी बड़े हो गए थे, तो मैंने भैया को बोला इसको हम लगा देते हैं आज, फूल गोभी के तो हमने लगा दिए हैं, तो पत्ता गोभी के हम लगा देते हैं। हमने ये ग्रो बैग खाली है, एक और ग्रो बैग खाली है, और एक और मेरे पास ग्रो बैग है, तो उसमें हम अपनी सब्जियां लगाते जाएंगे, विंटर की वेजिटेबल्स। ये आज हमारी पत्ता गोभी लग गई। अब हमारी रह गई शिमला मिर्च, उसकी भी पौध रेडी हो रही है, और ब्रोकली नहीं लगी है, तो ब्रोकली, बीटरूट और कैरेट के हम सीड्स मंगवाएंगे। धनिया भी लगाने की कोशिश करेंगे, धनिया का भी एक और विधि है लगाने की। मेरे पास अभी ग्रो बैग्स ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं ग्रो बैग्स और मंगवा के धनिया लगाऊंगी, और मेथी भी आप साथ साथ लगाते रहें। ये सीडलिंग्स देखिए कितने बड़े हो गए हैं, तो इनको हमने आज प्लांट कर ही दिया गुड़ाई करके। अब इसमें हम वर्मी कंपोस्ट खाद की ज़रूरत है। तो ये हमारे माली भैया जी ने कर दिया है ये काम, सीडलिंग लगाने का। ये हमारा एलमेंडा, पीले फूल है इस पे, और हमारी लाल मिर्च वगैरह भी उतर रही हैं, लाल मिर्च, तरई, भिंडी। ये हमारा फूल गोभी के सीडलिंग्स है।
यहाँ पे मैं कर रही हूँ पिंचिंग। पिंचिंग जो नरम आगे की जो ग्रोथ होती है प्लांट की, उसको काटना होता है। ये एक तरह की प्रूनिंग है जो इन ब्रांचिंग में इनकरेज करती है। आगे और ब्रांचेस होंगी तो और फूल होंगे, और फूल होंगे तो फल भी होंगे। तो पिंचिंग एक रोज़मर्रा की मेरा कारण होता है कि मैं जाके पिंच करती रहती हूँ, सूखी टहनी हटाती रहती हूँ और प्लांट्स को, जिसमें उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ये देखिए हमारा अडेनियम जो है वो थ्री मंथ्स का हो गया है, और अभी इसको हम थोड़ा सा और ग्रो होने देंगे और उसके बाद हम इसकी अभी इसको टाइम लगेगा इसकी रूट प्रूनिंग वगैरह करने की, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगी अडेनियम के बारे में। तो ये अभी इसकी थ्री मंथ्स का, 8 सितंबर को 3 महीने का ये हो जाएगा। तो इसको हम कम पानी भी बहुत कम दे रहे हैं और सनलाइट में रहता है ये हमेशा। ये देखिए हमारी जो रेडिश है उसकी अपडेट है, रेडिश की ग्रोथ अच्छी हो रही है और जल्दी ही ये फल भी मिल जाएंगे। ये हमारी मेथी है, अरबी के पत्ते दिख रहे हैं, पिंचिंग चल रही है। अभी करेले की जो बेलें हैं कई सूखती जा रही हैं, तो हम उनको हटाते जा रहे हैं। ये देखिए आज हम भिंडी की प्रूनिंग कर, भिंडी की हार्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारी भिंडियाँ उतर रही हैं आजकल, तो भिंडी की अच्छी जो पौध है ये काफ़ी अच्छी, इसने हमें फल दिए हैं। तो ये मैंने हार्वेस्ट करी भिंडी आज। आज हमने वर्मी कंपोस्ट डाली अपने पौधों में। केंचुआ के मल को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुए की मदद से जैविक कचरे का डिकम्पोजिशन किया जाता है, अपघटन किया जाता है और उसे लाभदायक मिट्टी में बदला जाता है। अपघटन के बाद मिट्टी उत्पाद में को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जो उसका प्रोडक्ट होता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हमारे देश में हरित क्रांति के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। खेती से केमिकल फर्टिलाइजर का खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन इन खादों का अंधाधुंध प्रयोग होने से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बढ़ती बीमारी और प्रदूषण को देखते हुए लोगों का आकर्षण अब जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जैविक खेती तब संभव है जब उसमें प्रयोग होने वाले खाद को भी ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक मेन्योर से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग संभव है। ऑर्गेनिक मेन्योर में गोबर की खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट इत्यादि आते हैं। इन खादों में वर्मी खाद जैविक खाद खेती के लिए बहुत किफ़ायती और फायदेमंद होती है। इस खाद को नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट एक उत्तम उर्वरक है, जैव उर्वरक है। इसे केचुआ खाद भी कहते हैं। ये खाद केंचुआ और गोबर की मदद से बनाई जाती है। इसे लगभग 1.5 महीने में आसानी से तैयार किया जाता है। यह खाद वातावरण को प्रदूषित नहीं होने देती है। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो फसलों की तेजी से विकास में मदद करता है और मिट्टी को बेकार नहीं होने देता। इसमें NPK होता है, जिसमें हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स और एंजाइम्स भी होते हैं। इसके गुण, ये नम और गहरे काले रंग की होती है और मिट्टी से हल्की होती है। इसमें स्वच्छ मिट्टी की गंध होती है। इसमें वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो आसानी से उसमें घुल जाते हैं, और मिट्टी की कंडीशनर है, मिट्टी को अच्छा करती है। और ग्रोथ हार्मोन्स को, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिससे मिट्टी, उसमें विकास होता है, पौधों का विकास अच्छा होता है। NPK के अलावा इसमें कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन,
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये गोबर खाद से श्रेष्ठ मानी जाती है। इसको कैसे यूज़ करना है? गमले की मिट्टी बनाते समय इसमें 30% अनुपात में मिलाया जाता है, परसेंट में मिलाया जाता है। आप इसे एक महीने में या एक या दो बार एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की ऊपरी सतह पर डाल सकते हैं। अपने पौधों की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते के बाद केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। तो इसमें कोई केमिकल नहीं होता और जो हमारा डीकम्पोजिशन है उसको ये निपटाया जा निपटारण भी होता है उसका। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में वीड्स कम होते हैं, खरपतवार कम होती है। ये जल धारण करने की क्षमता में सुधार करता है। पीएच लेवल को कंट्रोल करता है, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा एल्कलाइन, और मिट्टी को हवादार बनाए रखता है, एरेटेड रखता है, रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और केंचुआ खाद उसमें फ़ायदेमंद होती है। जैविक खेती के लिए सबसे अच्छा तरीका है वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना। तो ये आज मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी, और हमने थोड़ी वर्मी कंपोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी तो आधे पौधों तक ही वर्मी कंपोस्ट दी गई, और बाकी के लिए दूसरा कट्टा आएगा जिससे हम वर्मी कंपोस्ट देंगे पौधों को। तो आपको मैंने इसके फ़ायदे बताए, इसके यूज़ बताए, और आज हमने अपने पौधों में दे दी ताकि हम अपने हरे पौधों का अच्छा विकास हो जाए। जहाँ जहाँ उसको देनी थी, जिस जिस पौधे पे, जैसे छोटा पौधा था उसमें थोड़ी दी, बड़े पौधे में ज़्यादा दी, तब ये इसकी पहले गुड़ाई करी, फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट दी और साथ साथ पानी भी देंगे। तो इस तरह से हमने अपनी टेरेस गार्डन को कवर करा वर्मी कंपोस्ट देने से। साथ साथ आपको देखिए देखभाल तो करनी पड़ती है अपने छत के पौधों की। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हमारे काम आते हैं, प्रूनिंग हो गया, मल्चिंग हो गया, टिलिंग हो गया, वाटरिंग है, सॉइल का चुनाव। अब जब हमारी सॉइल, जैसे हमारी बेल वर्गीय सब्जी ख़त्म हो जाएंगी तो हमें सारी बेलें हटा के उस सॉइल को भी हमें थोड़ा मिट्टी को सनड्राई करना चाहिए, सूरज की रोशनी लगनी चाहिए, विटामिन डी होता है उसके अंदर, और फिर उसके बाद उसके अंदर हमें खाद मिला के उसको अच्छी तरह से अच्छी उसमें देखिए। जैसे ये मिट्टी पौधा नहीं चल पाया तो मैंने इसकी सारी मिट्टी पुलट पुलट करके इसमें थोड़ी सी गोबर खाद डाल दी। तो अभी हमारे लिए मिट्टी साइड में रख ली ताकि ये हमारे आगे काम आ सके। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद होगी, आपके लिए कुछ आपको इसमें फ़ायदा होगा इससे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब तो मुझे कर ही दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।